चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, पहले तो बैकग्राउंड बताऊंगा ऑर्गेनिक का है क्या। ठीक है बच्चे, अर्लियर टाइम में जब हम अर्लियर टाइम की बात करें तो टू ब्रांचेस नोन थे, कौन कौन से, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, दो ही ब्रांचेस, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। बट जैसे जैसे टाइम बीता 19th सेंचुरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्टेंस में, साइंटिस्ट्स ने कहा जितने भी नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स हैं, क्या बोला, नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स हैं जो बाय नेचर मिल रहे हैं हमें, वो हम स्टडी करेंगे अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक होगी बात। अब जब हम साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू किया नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स पे, तो ये देखा गया कि ये ब्रांच बहुत ही स्मॉलर रहेगी, क्या रहेगी, स्मॉलर। ठीक है, इतनी स्मॉलर ब्रांच कि कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि ये एग्जिस्ट करे या ना करे, वन एंड द इक्वल थिंग्स। तब जो साइंटिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से एग्जिस्टेंस देना चाह रहे थे, उन्होंने एक क्राइटेरिया नोट किया, कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। कोई भी एटम अपने ही एटम के साथ जब बॉन्ड बनाने लग जाए और चेन बिगर करने लग जाए, उसको कैटिनेशन कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे चेन बड़ी होती गई, ब्रांचेस भी बनने लग गई, तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना जिस भी कंपाउंड में कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, हम उसको अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करें लेके कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कार्बन। और कार्बन अपने में पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा लौता एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो देखते ही देखते आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी ब्रांच बन चुकी है, इतने सारे कंपाउंड्स डेवलप हो चुके हैं कि अगर हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिक्स कर दें, उससे भी बड़ी ब्रांच है, और मिक्स करने के बाद 10 times कर दें, उससे भी बड़ी ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फायदे पे आते हैं, है ना, फायदे से आप ज्यादा समझो। जितनी भी मेडिसिन है एलोपैथी, वो सब ऑर्गेनिक की देन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती तो ये मेडिसिन भी ना होती। बहुत बड़ी बात, स्पेक्टेकल्स ऑर्गेनिक की देन, स्पेक्स पहनते हैं अर्लियर टाइम में 18th सेंचुरी में किधर पहनते थे, वो तो ये कहते थे इसकी आंखें खराब हो, वो अलग है, वो कहते थे आईज खराब हो गए, दिख नहीं रहा इसे दूर से, आज तो नॉर्मल है स्पेक्स, स्पेक्टेकल्स।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, ऑर्गेनिक की देन। कलर्स ऑर्गेनिक की देन, ठीक है। कार्स में कलर देखते हो अलग अलग, हर चीज में कलर देख रहे हो अलग अलग, अगर ना होते तो कैसा होता। सब ऑर्गेनिक की देन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने लिटरली हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा हाई कर दिया। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती तो शायद बच्चे जो इतनी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, उसका 10% ही होगा। 90% जो डेवलपमेंट हुई है 19th-20th century में वो ऑर्गेनिक की देन। आप बताइए मेडिसिन ना होती तो क्या होता, बताइए, क्योर ही नहीं हो पाता इतनी जल्दी। शुगर की प्रॉब्लम होती है कई कई लोगों को, ठीक है ना, अर्ली टाइम में इसका कोई इलाज ही नहीं था, ठीक है ना। लोग कितने लोग मर जाते थे बच्चे, शुगर का नहीं था उसका, उतना इफेक्टिव नहीं था इतना। अब किसी की किसी का शुगर ज्यादा हो गया एकदम तो आयुर्वेदा थोड़ा ना कंट्रोल कर सके। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो ये सब ऑर्गेनिक के देख। बीपी की प्रॉब्लम जो नॉर्मल है, ये पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण बहुत सारी डेथ्स हुई, ये सब बचे ऑर्गेनिक ने संभाला, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं ना शुगर का पेशेंट है, शुगर है, किसके कारण होता है? जब शुगर अंदर ज्यादा हो जाती है। जी नहीं, ध्यान से सुनो, जो शुगर और मीठी चीजें लेते हैं उसके कारण कैलोरीज बढ़ जाती है, समझ आई? कैलोरीज के कारण पेशेंट शुगर का पेशेंट बनता है। वो आप शुगर फ्री लेते हैं ना, पेशेंट लेते हैं ना, उसमें क्या नहीं होता, शुगर नहीं होती, ये बोलते हैं ना शुगर नहीं होती, दैट इज रॉन्ग। उसमें शुगर 200 टाइम्स ज्यादा होती है बट कैलोरीज नहीं, उसमें लिखा होता 2% कैलोरीज, 0% कैलोरीज, समझ आया कि नहीं? कहने का ये मतलब है कि आज हमें बहुत ही बेटर लाइफ मिली, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये सब कुछ पहले 18th सेंचुरी में नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच शुरू करने लगे, 10th तक जो आपने पढ़ा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक की ब्रांच आज शुरू कर रहे हैं। आ रहे समझ? तो आज हम जो ऑर्गेनिक शुरू करने लगे हैं, थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंस बताइए ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो ऑर्गेनिक। अब बात करेंगे नेमिंग। अर्लियर टाइम में कई ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स डेवलप हो रहे थे, तो
साइंटिस्ट ने उनका कुछ नेम रखना हो, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले ट्राइवियल सिस्टम के थ्रू नेमिंग करनी शुरू की, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड बता रहा हूं, ट्राइवियल सिस्टम क्या है वो बताने लगा। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में इसका नेम क्या है जो कॉमन नेम होगा वो क्या होता है, यूरिया। ये यूरिया नेम कैसे पड़ा अकॉर्डिंग टू ट्राइवियल सिस्टम, ये सोर्स के ऊपर नेम पड़े यूरिन, क्या बचे यूरिन, तो सोर्स जहां से वो डेवलप हुआ उसका नेम क्या था, यूरिन, और उसके नियर बाय नेम रख दिया यूरिया। ऐसे ही और भी एग्जांपल है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, सोर्स के है फॉर्मिका, समझ आ रहा है, सोर्स का नेम एंड, ठीक है, क्लियर, दिस इज एसिटिक एसिड, एसीटम, एसीटम का नियर बाय क्या बन गया, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स वो नेम करने लगे, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट मीटिंग्स रखते थे, डिस्कशंस रखते थे, तो मान लीजिए इंडियंस इसको यूरिया बोल देते थे, क्या बोल देते थे, यूरिया, अमेरिकन्स इसको यूरी बोलते थे, जर्मन्स इनको यूरिये बोल देते थे, है तो इसके नियर बाय, है तो नियर बाय सारे नहीं, समझ आ रही है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, बात किसी और कंपाउंड की कर रहे हैं वो कुछ और कंपाउंड सोची जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग सम रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट रूल्स इज नोन एज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC सिस्टम। अब ये IUPAC सिस्टम के रूल्स क्या है वो आपके साथ में डिस्कस कर, ठीक है, वन बाय। अब IUPAC सिस्टम में हम काफी कुछ पढ़ेंगे, पहले वो रूल्स करेंगे जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इसमें भी एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, इसके बाद लाइन सिस्टम,
समझेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, समझेंगे फिर फंक्शनल ग्रुप्स, ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे, फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे, फिर बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, फिर स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। इसमें ऐड हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, मतलब ये अपने आप में एक सिस्टम, समझ आ रहा है? ये लिख लो फिर आगे बढ़ो। अब कुछ रूल्स कराऊंगा जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स ही करें, उनके रूल्स ही करें, ठीक है, कार्बन चेन रिलेटेड। तो फर्स्ट रूल, रूल नंबर वन, अनब्रांच, चेन्स ऑफ कार्बन आर नेम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वन कार्बन मिथ, टू कार्बन इथ, थ्री कार्बन प्रॉप, फोर कार्बन ब्यूट, फाइव कार्बन पेंट, सिक्स कार्बन हेक्स, सेवन कार्बन सेप और हेप, एट कार्बन, नाइन कार्बन, टेन कार्बन, इलेवन कार्बन अंडर, ट्वेल्व कार्बन, डोडल, आगे चलता रहे, समझ आ रही है? ओनली फॉर कॉम्पिटिशन 20 कार्बन को इकोज गए, मतलब C20H42, ये है ना एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+, समझ आ रही है? इकोसेन बोलते हैं, इकोज वहां से आया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, समझ आ गया? 21 कार्बन हेम इकोज, ये बुक्स में नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट। 22 कार्बन, ठीक है, 22 कार्बन डोकोस, 30 कार्बन ट्राई एकॉन, ये याद कर लेना, 30 तक नहीं, ये चार ही याद करने अलग से, 23 भी नहीं, 24 भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये फोर। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, अंत, डो,
ट्राई डेक आ जाएगा, टेट्रा आ जाएगा। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होगी। कैसे? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस भी होनी चाहिए, कार्बन की चेन होनी चाहिए। एग्जांपल भी दूंगा साथ में ताकि क्लैरिटी होती जाए, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन बताइए जल्दी से, कितने कार्बन की? फाइव कार्बन। कितने कार्बन? दैट इज रॉन्ग। फाइव कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इसमें नहीं है, सिक्स कार्बन की आएगी। बच्चे समझ आ रहे हैं? कितने कार्बन की? सिक्स। That is also wrong. Seven. Answer is seven. अब आप लोग सर ये क्या कर रहे हैं? देखिए कैसे? आपने जिन्होंने five बोला, इधर से numbering शुरू कर दी, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? थोड़ा जिसके पास दिमाग था, यहाँ से numbering शुरू करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। बट वो भी गलत है। कैसे आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये कैसे होता है? 5 ये आपने दे, यही तो मैंने क्या कहा, पेरेंट चेन लोकेट करो। देखो ये तो बन नहीं सकती, फाइव कार्बन है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस कौन सी आ रही थी? ये आ रही थी सिक्स कार्बन की, ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है, कॉन्टिन्यूस यहां से कॉन्टिन्यूस आगे भी आ रही है, तो हमने बदल लगा लिया कि लॉन्गेस्ट कौन सी है। समझ आया? जो नंबरिंग में नहीं आए कार्बन, उन्हें ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। पहले पढ़ रहा हूं, समझ आ रहा है ना बच्चे? कोई दिक्कत? रूल नंबर थ्री, याद रखना, पेरेंट चेन गलत करोगे तो कभी नेमिंग करेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। पेरेंट चेन लोकेट करना बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाए। नेक्स्ट थर्ड देखिए, इफ टू और मोर चेन्स of same number of carbon atoms are there, then we prefer that chain which is having more number of branches.
दो या दो से ज्यादा सेम कार्बन एटम्स की चेन बन रही हो तो उस चेन को प्रेफरेंस दो जिसमें ब्रांचेस ज्यादा, जिनमें ब्रांचेस ज्यादा, समझ रहे हो? एग्जांपल देता हूं क्लैरिटी के लिए, ठीक है? नंबरिंग कहां कहां से हो सकती है? लेफ्ट टू राइट, पहली ऑप्शन। और कौन सी ऑप्शन? राइट टू बोलो, सिर्फ एक बार में। ये भी तो हो सकती है। यहां से शुरू करें तो सेम बना। अब बताओ कौन सी चेन प्रेफर करोगे? स्ट्रेट वाली। ये क्यों प्रेफर नहीं कर रही? ब्लू वाली। करनी चाहिए फिर कौन सी वाली? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब में सिक्स बन रहे हैं ना? अब समझो बात को ध्यान से समझो। अगर मैं ब्लू वाली प्रेफर करता तो कितनी ब्रांचेस बनती? देखो ये आ रहा है ना ऐसे, तो ये कार्बन में एक ही ब्रांच बनती, ये बनी, बोलो वन ब्रांच बनती। अगर स्ट्रेट लाइन प्रेफर करूंगा तो टू ब्रांचेस बनेंगी, वन एंड टू। अगर मैं ये वाली प्रेफर करूंगा तब भी टू ब्रांचेस बनेंगी, वन एंड टू। अगर आप ध्यान दें तो स्ट्रेट चले जाएं या ऐसे चले जाएं, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे सेम आ रहे हैं। देखो यहां से क्या सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है CH3, और थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है CH2CH3। स्ट्रेट क्या सेकंड पे क्या आ रहा है CH3, थर्ड पे क्या आ रहा है CH2CH3, सेम आ रहे हैं। तो आप या तो स्ट्रेट जाएं या फिर इस तरह जाएं, वन एंड द सेम थिंग। तभी मैंने दोनों को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट, कोई भी ले लो, स्ट्रेट में ले या ये वाले एक ही नाम आए। बट प्रेफर कौन सी करोगे? कोई भी स्ट्रेट, ये वाली ये नहीं प्रेफर कर सकते, ब्लू वाली, क्योंकि इसमें सिंगल ब्रांच बनेगी। मैंने क्या बोला? मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस होनी चाहिए। ज्यादा ब्रांचेस किसमें है? स्ट्रेट वाली या फिर ये वाली? कोई भी ले सकते, नेम सेम आए। जब नेम सेम आ रहा था दोनों में से कोई भी ले। इज दिस ओके? समझ आ गई ये? बोलो नेक्स्ट। रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर, फोर्थ रूल क्या कहता है? ध्यान से समझना। फोर्थ रूल कहता है हमें कि
वी विल स्टार्ट नंबरिंग प्रिंसिपल चेन फ्रॉम दैट डायरेक्शन वेयर वी गेट ब्रांच एट लोएस्ट पोजिशन. रूल को समझाने के लिए एग्जांपल बताओ. कहां से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट के राइट? राइट. रूल पढ़ो. यहां से कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, यहां से करते तो थर्ड पे आता. छोटी पोजीशन पे नंबरिंग आनी चाहिए, वहां से प्रेफर कर. मैंने पूरा लिखा, अपनी वर्डिंग में लिखा, बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज. बोलो समझ आया? कुछ ऊपर से तो नहीं गया? करें आगे. फिफ्थ रूल, इस रूल में कुछ पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेम ऑफ ब्रांच, मतलब जो नंबरिंग में नहीं आ रहा, ये तो प्रिंसिपल चेन होगी, जो नंबरिंग में नहीं आ रहा वो ब्रांच है, उसकी नेमिंग कैसे करनी, उसकी नेमिंग कैसे करनी. देखिए, अगर आप कार्बन पे फोर हाइड्रोजन से, क्या है कार्बन पे फोर हाइड्रोजन है, क्या बोलते हैं इसे? मीथेन. मीथेन बोलेंगे. तो मीथेन में इस तरह रिप्रेजेंट किया. अब अगर आप ध्यान दें तो ये ब्रांच को मैंने CH3 लिखे. क्या लिखे बच्चे? CH3, मतलब एक हाइड्रोजन कम है. अगर एक हाइड्रोजन कम है तो ये चला जाएगा. अगर हाइड्रोजन चला गया तो यही बन गया CH3, ये भी CH3. तो N काट के I लिख दो, बड़ा ही सिंपल. मतलब जो भी ब्रांच होगी उसके लास्ट में आई लाए. क्या बन गया ये? मिथाइल. एक और लेते, क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी. अगर मान लो टू कार्बन होते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इथेन. यहाँ पे ब्रांच आ रही है, क्या है? सी एच टू, सी एच थ्री, सी टू एच फाइव भी बोल सकते. एक हाइड्रोजन कम है इससे, कर देगा तो एन काट के क्या लगा देंगे? इथाइल. पल्ले पड़ा? बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स. सर, और जहां पर दो हाइड्रोजन काटने पे वहां पर भी ऐसे क्यों दो काटेंगे? एक ही हाइड्रोजन कटेगा.
रूल है, साइंटिस्ट कहते हैं या तो आप ट्राइवियल सिस्टम फॉलो करिए जो सोर्स के नेम पे और कंफ्यूज रही है सारी उम्र, या हमारे रूल्स को फॉलो करिए उसके थ्रू नेमिंग करिए। हमने इन रूल्स को चुना है और आपके सब्जेक्ट में भी है, बट ऐसा नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि कॉमन नेमिंग को निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम इतने फेमस थे कि हम उन्हें भी IUPAC सिस्टम के कोई रूल्स में लेके आ, समझ आ रही? जैसे एग्जांपल, ठीक है बच्चे, नेम क्या तेरा? आदर्श। आदर्श तो ये इसका नेम है जो स्कूल में लेते हैं, ये ऑफिशियली लिखते हैं। घर का नेम क्या होगा? रॉकी, चौकी, टॉकी या फिर अद्दू। आदर्श से बन गया अद्दू, ठीक है। तो अद्दू नाम इतना फेमस हो गया कि हर कोई गली मोहल्ले में स्कूल में सब कोई अद्दू 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 बोलने लग गया। तो ये कॉमन नेम, ये क्या हो गया? कॉमन नेम जो घर का नाम, ठीक है। और एक क्या हो गया? ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम पे हावी हो गया अद्दू अद्दू, ठीक है बच्चे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा, बेंजीन। आज दुनिया इसको बेंजीन बोलती है, आप भी बेंजीन बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका IUPAC नेम है, समझ आ रही? इसका IUPAC नेम साइक्लो हेक्स हेक्सा 1-3-5 ट्राई ई, इस नाम से ये IUPAC नेम है, शायद ही कोई इसे जाओ, समझ आया? सारे IUPAC नेम आप कॉम्प्लेक्स कह दोगे जब रूल्स नहीं पढ़ोगे, सब अद्दू अद्दू करेंगे। आदर्श कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इसे आदर्श? कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सीखना पड़ेगा अगर आपने रूल को फॉलो किया। समझ आती है? तो ये बात दिमाग में रखिएगा, जो रूल्स करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए, बहुत कुछ है इसके आगे, ठीक है। ये भी सीखना, इस रूल में सेकेंड पार्ट में आपको पता होना चाहिए 1 degree 2 degree 3 degree 4 degree, इसका क्या मतलब? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, याद रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। अगर एक कार्बन के साथ ही अटैच्ड है तो प्राइमरी होगा, अगर एक कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच होगा तो सेकेंडरी, 3 carbon के साथ अटैच होगा तो टर्शरी, और 4 के साथ क्वार्टरनरी। इज दिस ओके? करके बताओ। 4 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कार्बन 4 ही अटैचमेंट शो करता है, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो देखो,
ये कंपाउंड है, मुझे बताना आपने जल्दी से ये क्या हुआ, प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शियरी, प्राइमरी ये क्या हुआ, टर्शियरी, देखो थ्री बॉन्ड बना रहे हैं ना ये कार्बन के साथ, टर्शियरी, ये क्या हुआ, प्राइमरी, ये क्या हुआ, क्वार्टरनरी, ये क्या हुआ, प्राइमरी, ये समझ आ गई, अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट आप जज कर लो, इज दिस ओके विद ऑल ऑफ यू, ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ, पक्का पढ़े आगे, रूल नंबर सिक्स, रूल नंबर सिक्स बढ़े, सिक्स रूल कहते हैं हाउ टू नेम द कंपाउंड, नेम करना सिखाए, चलो वन बाय इजी से शुरू, यहां से शुरू करें, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे क्या पढ़े, ब्रांच सी एच थ्री को मिथाइल, तो टू मिथाइल कितने कार्बन की चेन है, फोर, क्या होते हैं, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एक, तो ब्यूटेन, इज दिस ओके, अरे बोल दो, ठीक है, अगर टू सेम ब्रांचेस आ जाए तो डाई वर्ड यूज करो, थ्री सेम आ जाए तो ट्राई, और उनके नंबर मेंशन करो, तो देखें किस पे जुड़ा हुआ है ब्रांच, किस नंबर पे जुड़ा है, थ्री पे, समझ आ रही, और फाइव पे, थ्री कॉमा फाइव, दो सी एच थ्री ग्रुप है तो डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, सेवन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, ये भी नेम हो गया, इजी लग रहा है, बोलो रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप, ये करें ये आप करोगे, बोलो स्ट्रेट चेन लेंगे, बोलो स्ट्रेट चेन ली, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, टू, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है इथाइल, एम पहले आएगा कि ई, नहीं समझ आया बता देना किसी को, मिथाइल का एम पहले आएगा कि इथाइल का ई पहले आएगा, पता नहीं बीसीडी, तो किस पोजीशन पे है ये, थर्ड पे, थ्री इथाइल, टू पे क्या पढ़ा है, ठीक है, कितने कार्बन है, अरे समझ, अरे बोलो ऊपर से तो नहीं जा रहा, तो ऐसे नेम करेंगे कंपाउंड्स को, याद क्या रखना है, टू नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश है, देखो टू नंबर्स से कॉमा पाया मैंने, नंबर और अल्फाबेट आया तो क्या पाया, डैश, इज दिस ओके, समझ आती है इतनी,
बोलो। तो यहां तक आप लिख लो पहले, फिर आगे करें। रूल नंबर 7, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेम ब्रांचेस को किस तरह नेमिंग करनी है, डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा। इजी हो गया, रूल नंबर 7 इजी हो गया। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, for more than one branch principal chain will be numbered from that side where lowest position is given to first branching point. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, क्लैरिटी आ रही। इधर एग्जाम्पल कर लो, किधर से नंबरिंग होगी, लेफ्ट के राइट, जल्दी बताना है। लेफ्ट से, दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट से, आंसर इज राइट, राइट इज राइट। कैसे, यहां से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ गई, यहां से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल आ गई। ये नहीं देखना कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े, ये देखना है कि लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूएंट किधर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया समझ, नेमिंग क्या होगी इसकी जल्दी से बताएंगे। टू कॉमा टू हो गया सेकंड पे, फोर पे 2 है, 4.4। ये नहीं है कि एक ही बार नंबर देने, एक पे 2 आगे तो कोई बात नहीं, अलग अलग नंबर का, समझ आ रही। ट्राई मिथाइल हेक्सेन, अरे कुछ पल्ले पड़ रहे हैं, क्या नहीं आया बेटे, देख सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मिथाइल है, बोल दिख रहे सर। अगर सेम जगह पे होते तो तुम डायमिथाइल करते, सेम जगह पे ही है, 4 पे ही है, पर
पर टू वाले को भी काउंट किया तो टू पे भी तो सेम ही आ रहे मिथाइल 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 नंबर बदल दिए कि भाई टू पे भी पढ़ा फोर पे भी पढ़ा और एक और फोर पे पढ़ा तीन है तो ट्राई लिख दिए मिथाइल पढ़ा तो मिथाइल लिख दिया कितने कार्बन की चेन है सिक्स है तो हेक्स लिख दिया सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया अब क्या नहीं आया वो तो हो जाएगा समझ आ रहे हैं बहुत स्लो करा रहा इससे ज्यादा क्या स्लो करा एक बार में ज्यादा तो करा ही नहीं रहा वैसे ज्यादा नहीं बता रहा बहुत बड़े हैं बहुत ज्यादा नेमिंग है ठीक है ना आज सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन का ही करा रहा कौन सा रूल हो गया 10 ही रूल कराऊंगा आज सिर्फ फिर तो हैप्पी है ठीक है एक सिस्टम आपको खत्म करा दूंगा ठीक है रूल नंबर 9 ठीक है नाइन्थ रूल क्या कहते हैं नाइन्थ रूल ये कहते हैं अगर सेम पोजीशन पे टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाए तो नंबरिंग कहां से करें एग्जाम्पल देखो क्लैरिटी चुन चुन के लाया एग्जाम्पल ताकि समझ आए रूल बहुत मेहनत लगी है मेरी ठीक है ना देखो बोलो लेफ्ट से नंबरिंग हुई थी कि राइट से क्यों उधर से मिथाइल पे भी उतना ही आ रहा है सर दोनों से कर सकते हैं लेफ्ट से भी थ्री आ रहा है राइट से भी थर्ड पे आ रहा है अब सफाई वेरी गुड अगर ऐसा हो कि टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो क्या फॉलो कर रहे हैं मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल इथाइल यहां से नंबर सर इथाइल यार ई पहले नहीं आता ठीक है तो क्या बोला थ्री इथाइल फाइव मिथाइल पल्ले पढ़ रहा समझ आ रहा रूल नंबर 10 लास्ट डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर बट आइसोनियो क्या आइसोनियो एंड साइक्लो आर कंसीडर्ड
इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लो इसी एग्जांपल में, चलो अलग से ये आ गई नंबरिंग कहां से होगी? लेफ्ट से। राइट से तो थर्ड पे आता सब्स्टिट्यूट, लेफ्ट से सेकंड पे आ रहा। अब बताओ क्या बन रहे हैं? क्या है? अब देखो जरा, टू टू डाइथाई। आप कहोगे सर डी ए, डाइथाइल, डाइमिथाइल में डी ए फर्स्ट वर्ड, तो डी पहले आता है कि ई? डी पहले आता है। क्या पहले आते हैं? बट मैंने क्या लिख दिया? डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर ना करो, तो डाई मिथाइल जरूर आएगा लेकिन एम लेंगे, डाई का डी नहीं लेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। तो क्या बन जाएगा? थ्री इथाइल टू टू डाई मिथाइल पेंटेन। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डी है ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो डी पहले आना चाहिए था ई से, बट मैंने क्या कह दिया? डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर ना करो अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो क्या कंसीडर किया? एम कंसीडर किया और ई कंसीडर किया। ई पहले आ गया, क्या नहीं आया बोलो? आ रहा समझ? तो ये आईयूपीएसी नेमिंग का फर्स्ट क्राइटेरिया है, इसके बिना आपको कुछ नहीं आ सकता। अगर ये अच्छे से पीना पड़ेगा, पीना समझते हो, बार 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 करना पड़ेगा नेम्स, फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेना। ठीक है, अगली क्लास में कई सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे हम प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ वेरी बहुत अच्छे से, दो बार लिखना है। ठीक है।